हेलो एवरीवन, मैं आज आप सभी के साथ सिंधी क्विजीन की मोस्ट पॉपुलर स्वीट रेसिपी सेव की मिठाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होती है, ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली होती है, उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए ये देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम बेसन लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून शुद्ध घी ऐड करेंगे। इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा और 1 पिंच लेमन येलो कलर ऐड करेंगे। आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मोयन और बेकिंग सोडा पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें पानी डालकर धीरे धीरे इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी करना है। ध्यान रखें कि इसका थोड़ा सा सॉफ्ट डो ही रेडी करना है। इसे तेल लगाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दें। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर आधा शुद्ध घी और आधा तेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ घी या सिर्फ तेल भी यूज़ कर सकते हैं। सेव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बारीक छन्नी का यूज़ किया है। मोल्ड को अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसमें छन्नी लगा देंगे और आटे को इस तरह से इसमें डाल देंगे। मोल्ड को अच्छे से ग्रीस करके पैक करके ऑयल के गर्म होने के बाद इस तरह से सेव डालते जाएंगे इसमें। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तो इसे पलटा के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा तो इसे बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से पूरे सेव को तल लेंगे। ये देखिए हमारा सेव बनकर बिल्कुल रेडी है। ये कितना क्रिस्प बना है। सेव को अच्छे से क्रश कर लेंगे। देखिए हमारा पूरा सेव काफ़ी अच्छे से क्रश हो चुका है। मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में 250 ग्राम शक्कर, 1 बोल दूध, 2 बोल पानी ऐड किया है। आप चाहें तो इसके लिए सिर्फ दूध या सिर्फ पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक इलायची और कुछ केसर के धागे डालेंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा और थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी बन जाएगी, हमें इसके लिए कोई तार नहीं बनानी है। जब चाशनी थोड़ी चिपचिपी हो जाएगी तो इसमें सेव और खोआ ऐड करेंगे। आधा खोआ मैंने अभी ऐड किया है, बाकी का आधा खोआ इसमें बाद में ऐड करेंगे। जब ये उबल जाएगा और इसका मॉइस्चर थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे। मैं यहाँ पर लेमन येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं। ढक के 5 मिनट पकाने के बाद इसका पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बाकी का जो बचा हुआ खोआ है इस समय इसमें ऐड करेंगे और इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को ऑफ करके इसे थोड़ी देर के लिए ढक के यूं ही छोड़ देंगे। ढकने के बाद ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो चुका है। 5 मिनट लगे केक मोल्ड या मिठाई मोल्ड में इसे डाल के इस तरह से प्रेस करके लेवल कर लेंगे चारों तरफ से। ये देखिए इसे डालते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे ताकि ये इक्वल फैल जाए पूरा चारों तरफ से। इसके ऊपर बारीक चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें ऊपर से चांदी का वर्क लगा रही हूँ। इसके बाद इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए यूं ही छोड़ देना है। उसके बाद इसे पीसेस में कट कर लेना है। ये मिठाई काफी सॉफ्ट और डेलिकेट होती है। ये देखिए कितनी इजीली कट जा रही है। हमारी मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी है। इसके पीसेस को निकाल के प्लेट में डाल के सर्व करें। रेडी हमारी सेव की मिठाई, या जिसे आप सिंगर की मिठाई भी कह सकते हैं। आप इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।